नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ठंड भी बहुत हो चुकी है और हमारे घर में आज बन रहा है कुछ स्पेशल। मतलब मैंने भी नहीं खाया है, वो पहाड़ी डिश है, तो मेरी सास बना रही हैं, क्योंकि हमारे घर में आ रखी है मेरी सास की बड़ी दीदी, मतलब मेरी बड़ी सास, उनके लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या बना रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, क्या बना रहे हो? गेंजा। गेंजा क्या हुआ? गेंजा ये पहाड़ी डिश है। पहाड़ी डिश, ये पहाड़ी इडली, ये मक्के के आटे की बनती है, इसमें मीठी भी बनती है और भरते भी हैं बहुत सारे। क्या दाल भरते हैं कि आलू भरते हैं? नमकीन वाली दाल भी भरता है, बट हम मीठी वाली बना रहे हैं। तो ये गुड़ के जो पानी होता है उससे गूंद रहे हैं इसे, और ये मक्के के आटे की रोटी है, मक्के का आटा है। नींबू के पत्ते, और उसके बाद जब बनेगा तब मैं दिखाऊंगी किस तरह से बनाने रखना है, इन्हें स्टीम करना। और इनको बहुत पसंद है, इसलिए स्पेशल फरमाइश में मौसी की स्पेशल फरमाइश में ये बन रहा है, क्योंकि मौसी को गेंजे बहुत पसंद है। तो मौसी आ रही थी, हमने सोचा आज कुछ पहाड़ी डिश बनाए। आज मैं अपने दीदी के लिए स्पेशल डिश बना रही, पहाड़ी गेंजे। गेंजे आइए। और ये देखो इसी वांश की मस्ती। कुकुनाई, ये बहुत कुकुनाई मत करो। और ये यहाँ पे चाय पीते हुए बिस्किट के साथ, ये भी गेंजे के इंतजार में कब बनेंगे और कब खाऊंगा। अब ना मौसी जी बताएंगे कि गेंजा क्या है, ये कैसे है? मतलब परंपरा में आया आपकी कि गेंजा भी बनाना है, और किस चीज के बनते हैं बताओ? ये मक्के के आटे की और वो सोना का आटा, अच्छा चावल का आटा मिक्स करके ये बनाते हैं पहले से। अच्छा, दादी लोगों के टाइम से, टाइम में हम खाते थे, तो बहुत दादी बनाते थे, और हमारे पौष के महीने बनता है ये, सर्दियों में होता है। तो अच्छा, तो बहुत पसंद है मतलब गेंजे, मीठे वाले की नमकीन वाले? मुझे मीठे वाले पसंद। अच्छा, चलो तो आज देखे गेंजे, ठीक है? हाँ, देखते हैं आज बनाते हुए पूरे। ये बन गया गेंजे के आटा। अब बताओ ये किस पे बनेंगे? ये स्टीम में बनते हैं सर, पहली बात मैं बता दूं। तो अब हम बनाएंगे आज मोमो के बर्तन में इसको। बिल्कुल, ये देखिए ये मोमो का बर्तन निकाल रहे हैं नीचे खजाने से। खजाना, ये मेरे बहू का बर्तन है ये। ये दान में आया था मोमो का बर्तन, क्योंकि आजकल की बुआरियों को दान में मोमो का बर्तन भी दिया जाता है। क्योंकि बहुत फास्ट फूड खाती है आजकल की लड़कियां। क्या करना है, पानी भर। और ये हमने पानी भर दिया है स्टीम के लिए है। अब इसमें हम लगाएंगे ऑयल या घी और इनमें रख देंगे। और इसमें क्या होता है कि जो ये रखा जाता है, ये नींबू के पत्तों के बाहर से अंदर से रखा जाता है, नींबू के पत्ते बाहर से लगाए जाते हैं। अब ये दिखाओ कैसे कैसे लगाना है नींबू के पत्ते। अच्छा, नीचे पानी में डालना है। ये इस तरह से बना दिया है गोला। अब ये पत्ते लगाने हैं ऐसे नींबू के, क्योंकि इसमें ना नींबू का फ्लेवर देना होता है। तो नींबू के पत्तों से वैसे डालेंगे नींबू तो खट्टा हो जाएगा, तो पत्ते से एक फ्लेवर आ जाता है लेमन का। इस तरह से रख दिए हैं हमने, और इनको भी रखेंगे जिस पे हमने पानी रखा उसके ऊपर, और ये स्टीम में ही पकाए जाते हैं। इसे स्टीम करेंगे और सीधे खा लेंगे, है ना जी? मीठे पता नहीं, मैंने तो कभी खाया नहीं। ना जी ना, मेरे को नहीं पसंद। ऐसे मत बोलो यार। टेस्ट करूंगी थोड़ा सा बस। मैं भी करूंगी टेस्ट। ओके बेटे जी, सीवांस की हरकतें। व्हाट आर यू डूइंग? मैं इनको ठीक से लगा रहा। ओके, ये गैलरी है सीवांस की। क्या हुआ? कोई भाग नहीं है यार। ये हमने बस तीन ही रखो इसमें। नहीं, इसके ऊपर भी आते हैं। अच्छा, रख दो अब। और ये हम रख देंगे स्टीम के लिए, इस पे मार देंगे ढक्कन, और ये स्टीम होने के बाद दिखाएंगे किस तरह से होगा। और तब तक मैं धो देती हूँ बर्तन, क्योंकि बर्तन भी है धोने। हमारी जो डिश बन रही थी वो बनके तैयार हो चुकी है, और ये है वो डिश। एक मिनट में बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। ये हमारी वो डिश तैयार हो चुकी है जो हम बना रहे थे, गढ़वाली इडली, नहीं क्या है, गेंजा, गेंजे। ये देखो कितने अच्छे से बन गए। अब इनको हम इसकी पत्तियां हटा देंगे नींबू की, उसके बाद खाएंगे। मुझे नहीं पता भी टेस्ट कैसा हो रहा है, क्योंकि मैं मीठा कम खाती हूँ और मुझे वैसे भी ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो चलो दो आप भी आइए और खाइए जी। बिल्कुल, सब आएंगे, सब खाएंगे। टेस्टी बन रखा। अब मैं बाहर दे दूँ इसे ऐसी?
यही बाबा आपने सुना दी। अब मैं इन्हें टेस्ट कराने के लिए ले जाऊंगी। चाचा जी भी आ चुके हैं, लो ये पकड़ो एक एक। थैंक यू। ये हमारा गढ़वाली डिश, गढ़वाली इडली। चलो आप खाओ पहले, पता चलेगा। उठाओ एक पीस। अब इनके रिएक्शन देखेंगे। बहुत टेस्टी हो, टेस्टी हो रहा है। बहुत अच्छी हो रहा है, खुशबू भी आ रही। आ रही नींबू के पत्तों की खुशबू। ये इस साल के क्या बोलते शुरुआती में पहली बार ही खा रहे हो ना इस साल? आपको कैसा लगा? आपको ऐसे मीठा वाला पसंद नहीं है? अच्छा है। इससे टेस्ट करूंगी ना मैं, मैं इससे टेस्ट करूंगी। ये कुकू ने छोड़ रखा है, ठीक हो रहा है, इडली जैसे ही हो रहा है, बस मीठा है। इडली थोड़ी नंगेन हो गया। रोटियां भी बन चुकी है, मैंने रोटी बना दी है। और अभी हमारे किचन की हालत बहुत अस्त व्यस्त हो रखी है क्योंकि डिनर का टाइम है, तो अभी हम खाना लगा रहे हैं सबका, उसके बाद हम किचन क्लीन करेंगे। तो मैं सबका खाना लगा देती हूँ। ऐसे भी लोग डिनर भी करने लग गए हैं गिंजों के साथ में। चाय, रोटी, गिंजे, ये कौन सा वही तो, ये कौन सा मेल है? वैसे ये चीजें ना मेरे ख्याल से शाम को ठीक लगती होगी, गिंजा चाय खाने है, खाने के साथ तो स्वीट डिश हो गई हो खाने के साथ। चाय के साथ अलग ही मजा है, मैं तो जा खाऊंगा। उन पे तो है ही नहीं चाय पे मीठा। आपकी थाली कहाँ है? अच्छा उधर मैं आ चुकी हूँ बेटे को लेने डिनर के लिए, बट ये यहाँ पे मोबाइल देख रहा है और साथ में कुछ खा रहा है। तो क्या खा रहे हो? हम खाते तो वही खाओ, फिर दांत दर्द होगा, फिर सारे टीथ खराब। अपने टीथ दिखाओ, जल्दी दिखाओ, दिखाओ अच्छे से दिखाओ। ये देखो इसकी तो पहले टीथ खराब है, अब तो और खराब हो जाएंगे क्योंकि लॉलीपॉप खाता रहता है। चलो बेटा मोबाइल बंद करो और डिनर करने चलो। आपको नहीं खानी रोटी? नहीं खानी रोटी? खानी है कि नहीं खानी? लास्ट टाइम पूछ रही, फिर नहीं मिलेगा कुछ भी, बताओ खानी है कि नहीं खानी रोटी? नहीं खानी, मिलेगा भी नहीं, फिर चाहे भूख भी लगेगी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है सो जाना, ठीक है बाय। तो मेरे बेटे को रोटी नहीं खानी है, तो हम चलते हैं डिनर करने। अब यहाँ पे शिवांश की एक्सरसाइज हो रही है खाना खाने के बाद। अब हम सब लोगों ने डिनर कर लिया था, तो यहाँ पे शिवांश और सब लोग बैठे थे, तो शिवांश यहाँ पे राष्ट्रीय गान अच्छा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है। उसे अच्छे से नहीं आता है बट कोशिश कर रहा है, आता पूरा है बट बीच बीच में कुछ कुछ वर्ड्स नहीं आते हैं उसे, तो वहाँ पे वो उल्टा सीधा बोल लेता है। तो सभी हम लोग यहाँ पे रंग सुन रहे थे। हाँ, very good, very good. शिवांश के मुंह से उसके बाद क्या बोलते हैं? अब शिवांश का जनगणमन खत्म हो गया है।